get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवीज एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल यानी रैन रेनॉल्ड के पांच सबसे शानदार मूवीज, जिन्हें आप एक बार देख लिए तो आप रैन रेनॉल्ड के बिग फैन हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं डेडपूल मूवी को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि डेडपूल मूवी सभी लोगों ने देख रखा है। दोस्तों हमारा फर्स्ट मूवी है द एडम प्रोजेक्ट। यह मूवी आई थी 2022 में। यह एक साइफाई ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एडम की, जो 2050 से टाइम ट्रेवल करके 2022 में जाता है टाइम ट्रेवल को इन्वेंट से रोकने के लिए, लेकिन वह गलती से अपने ही छोटे वर्जन यानी एडम से मिल लेता है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। फिर उसके बाद वह दोनों मिलकर टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक पाएंगे कि नहीं, और टाइम ट्रेवल को इन्वेंट करने वाला कौन था, यह आप मूवी के अंदर देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारा सेकंड मूवी है रेड नोटिस। यह मूवी आई थी 2021 में। यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है तीन इजिप्शियन अंडे की, जो बहुत ही कीमती होता है, और उस अंडे को चुराने निकलता है एक चोर, जो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए चोरी करता है। और इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं रैन रेनॉल्ड, और उन्हें पकड़ने के लिए एक पुलिस उनका हमेशा पीछा करता है, जिसे प्ले करते हैं ड्वेन जॉनसन। लेकिन फिर मूवी में आती है ट्विस्ट। एक और चोर जो कि लड़की होती है, वह दो अंडे चुरा लेती है, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरे अंडे का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ रैन रेनॉल्ड को पता होता है। तो क्या वह तीसरा अंडा चुरा पाते हैं या नहीं, ये आप मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को रेटिंग मिला है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारा थर्ड मूवी है फ्री गाई। यह मूवी आई थी 2021 में। यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है गाई की, जो एक गेम का एमपीसी कैरेक्टर होता है। अगर आपको नहीं पता कि एमपीसी कैरेक्टर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमपीसी कैरेक्टर को डेवलपर द्वारा गेम में डाला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए होता है। इस मूवी के अंदर मजा तब आता है जब गाई को एक लड़की से सच्चा वाला प्यार हो जाता है, और फिर उसे पता चलता है कि जिस वर्ल्ड में वह जी रहा है वह नकली है, और ये वर्ल्ड यानी यह गेम 2 दिनों में बंद होने वाला है। तो क्या गाई खुद को और अपने लोगों को बचा पाता है कि नहीं, वह आप लोग मूवी के अंदर देखो। इस मूवी को रेटिंग मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारा फोर्थ मूवी है सिक्स अंडरग्राउंड। यह मूवी आई थी 2019 में। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है रैन रेनॉल्ड के कैरेक्टर वन की, जो अपनी एक 6 लोगों का टीम बनाता है, और वह सभी लोग एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते हैं, वह सिर्फ एक दूसरे को नंबर से याद रखते हैं। पूरे दुनिया के नजरों में यह लोग मर चुके होते हैं, और उनके टीम का काम होता है दुनिया से बहुत बुरे लोगों को खत्म और ऐसा काम को करना जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट ना कर पाए। और अब उनको सबसे खतरनाक मिशन को करना है, और यह मिशन क्या होता है और क्या हुआ, सफल हो पाते हैं कि नहीं, यह आप मूवी को देख कर जानो। इस मूवी को रेटिंग मिला है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारा फिफ्थ मूवी है सेल्फलेस। यह मूवी आई थी 2015 में। यह एक साइफाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है डैनियल नामक एक बूढ़े आदमी की, जिसकी एक बड़ी बीमारी के कारण जल्द ही मौत होने वाली है। उसके बाद वह अपनी बॉडी को एक जवान आदमी के बॉडी में ट्रांसफर करवा लेता है। इसके बाद उसकी लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन एक दिन वह अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है, जिसके बाद उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, और उसे एक अजीब आदमी का विजन आने लगता है, जिसके बाद वह क्या करता है वह आप मूवी को देखकर जानो। इस मूवी को रेटिंग मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो दोस्तों ये थी रैन रेनॉल्ड की 5 सबसे शानदार मूवीज। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जम के शेयर करें, और मेरे चैनल मूवीज एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज सब्सक्राइब।